सेंटर, मैंने आपको दोपहर बाद ही ये बता दिया था कि लोअर पीसीएस का रिजल्ट आने वाला है और कभी भी रिजल्ट आ सकता है आज 6 बजे के बाद। तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है, 672 वैकेंसी थी इसमें, 2019 की वैकेंसी थी, बहुत दिनों के बाद इसका फाइनल रिजल्ट आया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें कट ऑफ कितनी गई थी, डिफरेंट वैकेंसी के लिए डिफरेंट कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि इसमें सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आईटीकरण अधिकारी में 94 पद थे। इसमें आप यहाँ देख सकते हो, तो अलग अलग वैकेंसी दे रखी थी अलग अलग कैटेगरी वाइज जिसमें, तो उसमें जितनी भी अलग अलग दे रखी थी उसमें अलग अलग, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि विपणन निरीक्षक में 194 पोस्ट थी, तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए 99 थी। तो इस तरीके से पूर्ति निरीक्षक की हम बात करें तो इसमें टोटल जो पोस्ट थी वो 151 थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दे रखी है, इसको सप्लाई इंस्पेक्टर कहते हैं, तो अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें अगर आपको अपना ये रिजल्ट देखना है तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है यूपीएससी नॉलेज ग्रुप, वहाँ पर इसको आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इस टेली वहाँ पर आप इसको जाके ले सकते हो यूपीएससी नॉलेज ग्रुप पर। अब हम इसके में कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितनी गई है, तो उसको बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। ये कट ऑफ इसमें नीचे दे रखी है, ये अलग अलग वो दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि इसमें मैंने भी आपको बताया है कि चकबंदी विभाग का अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी में इसमें जो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है 312 पे गई है। और यहाँ पे जो इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी गई है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जिसको हम क्षेत्रीय आरक्षण कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज इसमें कितनी वैकेंसी गई है। तो इसी प्रकार से दूसरा है जो इसमें यहाँ पे विभाग का नाम दे रखा है और इसमें विपणन निरीक्षक जो कट ऑफ गई है 313 गई है। तो इसी प्रकार से अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ गई है, यानी एससी की कट ऑफ गई है 290, एसटी की कट ऑफ गई है 267, और इसी प्रकार से ओबीसी गई है 210, 310 सॉरी। तो ये आप देख सकते हैं गाइज। तो यहाँ पे इसमें ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यहाँ पे ये पूर्ति निरीक्षक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी मोस्टली कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 320 के आसपास अगर मार्क्स हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो गया है हर कैटेगरी में। किसी में 318 गई है, किसी में 316 गई है, किसी में, ये रिजर्वेशन की जनरल की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें अपर जिला सूचना अधिकारी में, तो यहाँ पर 308 पे इसमें गई है जनरल कैटेगरी में। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं की गई 294। यहाँ हम देखेंगे कि आदिशासी अधिकारी जो बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है इसमें 326 पर। तो देख सकते हैं इसमें 326 पर कट ऑफ गई है यहाँ पर, और ओबीसी में गई है 317 पे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ के बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे राजस्व निरीक्षक की, तो यहाँ पर भी कट ऑफ 308 के आसपास गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा गई है अधिशासी अधिकारी की, बहुत अच्छी पोस्ट होती है वो, तो इसलिए उसमें इतनी कट ऑफ गई है। तो ये गाइड मैंने आपको सारा बता दिया है कट ऑफ के बारे में। तो अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइज।